गेटिंग ऑल इमोशनल राइट नाउ, बट ये IMAX एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसको सबसे अच्छा तरीका देखने का। मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया जब मुझे ये पता चला है कि इस पिक्चर का बजट जो है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और अच्छी पिक्चर मिल गई मुझे। मिली कैसे भाई साहब, मैं तो बस ऐसे ही। अनदर वीडियो दैट आई एम प्लानिंग, तो उस वीडियो के लिए मुझे सिलेक्ट सिटी वॉक जाना जरूरी था, तो सिलेक्ट सिटी वॉक में गया। अब मैंने सिलेक्ट सिटी वॉक में जाके देख ली, कौन सी पिक्चर देखी, द क्रिएटर। तो द क्रिएटर IMAX में रिलीज की गई है और सारे लोग बोल रहे हैं IMAX में देखो, पर पिक्चर में जाके देखा मैंने लेटर बॉक्सिंग बहुत ज्यादा थी। इसके बारे में बात करना चाहता हूँ और पिक्चर मुझे कैसी लगी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सारी चीजें बताऊंगा वीडियो में, बताऊंगा यहाँ नहीं बता दूंगा, शुरू में ही बता दिया तो फिर पूरी वीडियो क्यों देखोगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नवीन, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। स्टोरी के बारे में हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि AI वाला पूरा वर्ल्ड है। AI को हम ChatGPT बेसिकली है, वो इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ AI, एंड व्हाट पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ इज शोन इन द फिल्म, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी मूवीज बनाई गई हैं जिसके अंदर AI को, रोबोट्स को यूज करके, रोबोट्स में AI डाल के एनिमेटेड मूवीज भी हैं, लाइव एक्शन मूवीज भी हैं, बहुत सारे एनिमेज भी हैं। मतलब AI का जितना भी बुरा बुरा सब कुछ हो सकता है ना, वो सब जगह सब दिखा रखा है। तो इसके अंदर ऑल ऑफ दैट कम्स ट्रू। AI बेसिकली न्यूक्स अ सिटी एंड फिर उसके बाद AIs और ह्यूमंस में वॉर छिड़ जाती है। अब बेसिकली ह्यूमंस का काम है कि AIs को खत्म कर देना, बस दैट इज द मेंटालिटी। वॉर, जला देंगे, राख कर देंगे, तबाह कर देंगे सब कुछ। दिस इज हाउ ह्यूमंस इन दिस फिल्म थिंक, एंड दिस इज व्हाट इज प्रिज्यूम्ड दैट AIs मस्ट बी थिंकिंग। स्टोरी बहुत बेसिक साउंड कर रही है, बहुत ही सिंपल साउंड कर रही है। स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, जिस तरीके से इसके अंदर चीजों को दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। फर्स्ट तारीफ मैं करना चाहूंगा वर्ल्ड बिल्डिंग की। Right way to do it is showing it कि भाई this is the world where everything is happening, and जैसे-जैसे characters discover करते जाएं, वैसे-वैसे हमें चीजें पता चलती जाएं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत destroyed world दिखाया जाता है। मेरे को इससे ना picture से District 9 वाली feelings आई। जैसे District 9 के अंदर robots दिखाए जाते हैं, वो बहुत ही ऐसे लगते हैं कि हमारे world में present है। मतलब CGI और जो humans हैं उसमें differentiate करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो इसकी texturing है, CGI वाले जो shots के composition, वो ऐसी हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही वर्ल्ड इसी वर्ल्ड में बिलोंग कर रहे हैं। कूडोज टू द CGI एंड VFX आर्टिस्ट, बिकॉज दे हैव डन ट्रिमेंडसली वेल जॉब एट शोइंग ऑल द AI रोबोट्स एंड AI पीपल इन द फिल्म, एंड वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही असली लगता है सब कुछ इसके अंदर। द लुक एंड द फील एंड द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म, बहुत सारा CGI है इसके अंदर, बहुत सारा VFX है इसके अंदर। इसका जो IMAX का एडवर्टाइजमेंट है कि इसको IMAX में देखो, आप जाओगे थिएटर में एक्सपेक्ट करते हो कि ऊपर नीचे ब्लैक बार्स नहीं होंगी और पूरा पूरा फुल स्क्रीन बढ़ेगा। मैं लेमैन की टर्म्स में बता रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। पिक्चर के अंदर इतने भारी भारी ऊपर नीचे ब्लैक बार्स हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ कि पिक्चर जो शॉट थी वो बहुत ही वाइड एस्पेक्ट रेशियो में थी, इतनी वाइड थी जिस कैमरे से इसे शूट किया वो इतनी वाइड थी कि उसको जब क्रॉप भी किया है तो साइडों से बहुत सारी पिक्चर हट गई। यूजुअली ऊपर नीचे की पिक्चर जाती है, इसमें साइडों की पिक्चर जा रही है। जिस कैमरा से इशू की गई थी अब वो 3.5:1 वाला आउटपुट बेसिकली दे दिया है उसने, फाइनल आउटपुट। अब उसको थिएटर में तो नहीं चला सकते हैं वरना बहुत ही पतली पिक्चर हो जाएगी, बहुत ही लंबी पिक्चर हो जाएगी ऐसे, ठीक है, वाइड हो जाएगी। अब इसको 2.76:1 में रिलीज किया गया है। 2.76:1 इज स्लाइटली लेस वाइड, ऊपर नीचे तो ब्लैक बार्स हैं ही। तो इसको सही तरीके से देखना अगर है आपको, ये IMAX एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसको सबसे अच्छा तरीका देखने का ScreenX में, जो कि मैंने नहीं देखा है, मैं जब देख लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट इसको ScreenX में देखना, बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फुटेज साइड्स का आपको दिखेगा। गैरेथ एडवर्ड्स जो डायरेक्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि इसको ScreenX में देखोगे तो एक्स्ट्रा फुटेज दिखेगा। IMAX के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, IMAX साउंड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, IMAX पिक्चर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि पिक्चर के अंदर बहुत सारे डार्क सीन्स हैं एंड दे लुक रियली गुड इन IMAX। साउंड डिजाइन बाय हांस ज़िमर इज सो गुड, मतलब म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग, बैकग्राउंड स्कोर इज वेरी नाइस, द साउंड डिजाइन इज वेरी नाइस, बहुत सारी साउंड है पिक्चर में, ठीक है, सीधी बात है। बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे द फिल्म ट्राइड टू बी काफी मिनिमल, बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत थी यहाँ पे पर डाला नहीं गया। वो जो चॉइस जो फिल्म ने की है वो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे सीन्स इमोशनली हैवी हो सकते थे, और ज्यादा हैवी हो सकते थे, बैकग्राउंड स्कोर को और एनहांस कर दिया जाता। इसके अंदर ना मतलब एक वेपन है, देयर इज अ सोल्जर हु इज ट्राइंग टू किल दिस वेपन, एक जर्नी पे निकल जाते हैं टू फाइंड क्रिएटर, द निर्माता, द मदर। अमेरिकन्स बहुत अजीब लगते हैं निर्माता बोलते हुए, बट निर्माता जो वर्ड इसके अंदर यूज किया, देयर इज हिंदी, जापानीज, मैंडरिन, इंग्लिश, देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ
लैंग्वेजेस इन द फिल्म इतना ज्यादा अच्छा लगा. जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो एआई का जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, शी हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब कंसीडरिंग उनकी पहली फिल्म है, उस छोटी बच्ची की पहली फिल्म है. शी इज एक्टिंग सो वेल. एल्फी इज हर नेम एंड वो छोटी एल्फी के जितने भी सीन्स हैं वो सबसे मूविंग और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे क्यूट और सबसे दिल को खुश कर देने वाले सीन्स हैं. इसका जो कॉन्सेप्ट है एआई वर्सेस ह्यूमंस का, ट्रेडिशनली जैसे किया जाता है वैसा नहीं है. ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है. इट इज अ वेरी सेरिब्रल फिल्म. योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. जब आप पिक्चर को देख रहे होगे ना, आपको लगेगा कि ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ओ ये भी है, ओ ये भी है, ओ ये भी है. इतने सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स को ये एक्सप्लोर करती है, इतने सारी डिफरेंट लोकेशंस को ये एक्सप्लोर करती है. हमें एक पॉइंट पे लगता है इंडिया में है हम. देयर इज दिस फूड डिलीवरी गाय हु इज डिलीवरिंग इट एंड ही इज सेइंग आपका ऑर्डर आ गया. अहम चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखा रखी है कि जिन लोगों को ह्यूमंस मार रहे हैं, यानी एआई को ह्यूमंस मार रहे हैं, वो एआई इतना बुरा है ही नहीं. वो एआई इज वेरी इंक्लूसिव. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग वेरी पीसफुली इन दोस एआई वर्ल्ड्स जो इसके अंदर दिखा रखा है, जिन वर्ल्ड्स को ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और वो जो सिंपथी आती है निकल के, वो ऐसे नहीं आती कि एआई को मारा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इनसेंसिटिव जो इसके अंदर विलन है, वो विलन जो है, विलन बिल्कुल एकदम इनसेंसिटिव शो किया गया. शी इज अ फीमेल, मैं उनका फोटो यहां पे लगाऊंगा. दैट विलन इज सो मेनेसिंग. शी जस्ट किल्स द एआईज एंड देयर इज नो रिमोर्स, नो गिल्ट, नो कॉन्शियस, नथिंग. बहुत कैजुअली पीपल आर किल्ड. बहुत पीपल नहीं, बहुत कैजुअली एआईज आर किल्ड. दिस इज वॉट आई एम सेइंग. वो जो लाइन है वो बहुत ब्लर्ड है इस पिक्चर में, ए आई और ह्यूमंस का. बिकॉज ए आई इज एग्जैक्टली लाइक ह्यूमंस, बिकॉज दे हैव कॉन्शियस, बट ह्यूमंस कंसिडर देम मशीन्स एंड दे आर किलिंग देम रेकलेसली, रुथलेसली. लाइक इसमें इतनी डार्क चीजें दिखा रखी हैं. द फिल्म डजंट ड्रामेटाइज ऑल दीज थिंग्स, इट जस्ट शोज द रियलिटी. जितने भी ट्विस्ट हैं इसके अंदर वो ऐसे दिखा रखे हैं कि बिल्कुल एकदम बिना ड्रामेटाइज किए चीजों को. इट इज मोर इन साइड देन आउटसाइड. इट डजंट शो यू थिंग्स, इट मेक्स यू फील थिंग्स, इट मेक्स यू क्वेश्चन things. There are so many scenes. I'm getting all emotional right now. But you, when you watch the film, आपका सब reality question होता है कल को. You feel like this world exists. मतलब ऐसा नहीं कि humans और AIs के बीच में, humans और humans के बीच में ही ये world exist कर रहा है भाई. It is not even trying to show anything different. It is just trying to show the reality of today's world in the form of AI. And वो बहुत अच्छा है, because there are peaceful worlds like that are being destroyed or that have already been destroyed because of humans. हम ही खुद के दुश्मन हैं इतने. मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया जब मुझे ये पता चला है कि इस पिक्चर का बजट जो है $80 million है. $80 million पता है किस पिक्चर का बजट? आदि पुरुष का है $80 million, $88 million. हमारी ब्रह्मास्त्र वाज मेड एट $55 million. मैं इंडियन मूवीज का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ. बहुत मेहनत लगती है इतना क्वालिटी का VFX और CGI दिखाना. अवतार जैसी फिल्म्स की याद आती है इस फिल्म को देख. देयर इज दिस नोमैड करके बहुत बड़ी सी मशीन इसके अंदर, उसका स्केल और उसका जो भी जितने क्लेवर तरीके से दिखा रखा है. आई फेल्ट एवरीथिंग वॉज इंपॉर्टेंट. आई फेल्ट द वर्ल्ड बिल्डिंग वॉज अमेजिंग इन द फिल्म. आई फेल्ट द जर्नी जैसा लोगन फिल्म में है या फिर लास्ट ऑफ अस में. देयर इज दिस आदमी एंड दिस बच्चा एंड देयर ऑन दिस जर्नी. दिस आदमी इज अ ह्यूमन एंड ही ऑल्सो कंसिडर्स AI एज अ मशीन. कि इनको मारना इज नॉट किलिंग, इट इज जस्ट टर्निंग देम ऑफ. व्हेन यू सी हिज थॉट प्रोसेस चेंज एंड व्हेन यू सी दिस मैन एक्चुअली ट्राइंग टू सेव दिस बच्चा, सेव दिस किड, उसका ह्यूमन साइड से AI को बचाने वाली साइड शिफ्ट करना, या फिर वॉर वाला, लाइक कि लोग, कुछ लोग हैं इस पिक्चर में जो सिर्फ वॉर चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वॉर के एंड में पीस हो. बट द बेस्ट part about the film is love. The core of it, this film is only about love between different people, humans and AIs, humans and kid AIs, AIs and AIs, and humans and humans. So her side of human nature has been shown in the film. And when you see jab last mein picture jab khatam hoti hai na yaar, to it ends on such a beautiful, such a happy note that it is making me emotional right now, because when you see it you're like ki yaar end mein to sab प्यार से ही हो जाता है ना. सब कुछ एवरीथिंग इज ऑल अबाउट लव ओनली. एवरीबडी इज हैप्पी व्हेन देयर इज लव. एवरीबडी इज नॉट हैप्पी व्हेन देयर इज वॉर. इतना सिंपल है. बस यही पिक्चर जब खत्म होती है, पिक्चर जब एंड होती है, तो पिक्चर पीक करती है. हांस ज़िमर का म्यूजिक किक इन होता है. हांस ज़िमर का म्यूजिक पीक पे होता है लास्ट में. पूरा क्लाइमैक्स इज वेरी हैवी, बट आई स्टिल फील कि इसमें और ड्रामा हो सकता था. आई स्टिल फील इसके अंदर और एक्शन हो सकता था. जो भी एक्शन है वो बहुत बेसिक सा फील होता है, पर वो पिक्चर का डिजाइन वो है. पिक्चर का डिजाइन इज नॉट ओ ये हो गया, ओ ये हो गया, ओ बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ, बहुत खतरनाक ये हुआ. इट इज नॉट ट्राइंग टू गिव यू दैट विजुअल
फुल स्पेक्टेकल, इट इज नॉट, इट इज अ सिंपल लो बजट फिल्म। अवतार का बजट बता दूंगा तो तुम हैरान हो जाओगे, $400 मिलियन, इट इज 5 times मोर देन दिस फिल्म, ठीक है? तो तुम समझ लो कि उस लेवल तक भी टच कर जाती है, इतना जबरदस्त इसके अंदर CGI VFX एंड everything by design, and you will love it. इसको जाके देख के आओ, ScreenX में देख के आना, IMAX में मत देख के आना, मतलब IMAX में देख लोगे तो भी ठीक है, बट बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इसके साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हो जाओ, अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट, पीस।